नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नायलॉन B2B। आज मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मशीन में मॉडिफिकेशन किया है। तो अब मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या क्या चेंज किया मैं आपको बताता हूँ, और उसका कैसा प्रोडक्शन रहेगा वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए दाना वाले मशीन को मैंने क्या मॉडिफिकेशन किया है। तो देखिए क्या मैंने मॉडिफिकेशन कराया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरी मशीन मैंने मॉडिफिकेशन राजू मिस्त्री के पास भेजी थी, जो अपना मशीन का ही वर्क करता है। इसमें पहले मेरा चेंजर लगा हुआ था, चेंजर से प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मैं कच्चा माल से बनाता हूँ, मतलब कि कोई एग्रो वगैरह या उसका मिक्सचर वगैरह नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट मैं माल बनाता हूँ उसका। तो क्या हुआ, चेंजर थोड़ा लीकेज का इशू आने लगा, देखो ये, क्योंकि कच्चा माल आप बनाओगे तो लीकेज की प्रॉब्लम आएगी उसमें, चेंजर में। आप नायलॉन का कोई भी दाना बना रहे हो तो लीकेज की प्रॉब्लम आएगी। तो मैं कैसा माल बनाता हूँ कच्चा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये मेरा कच्चा माल है, ये इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही मशीन में बनाता हूँ, ऑलरेडी आप बहुत सारी वीडियो में देख चुके होंगे। तो अभी खुद से ही मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कराया है, तो आप देख रहे हो ये मैंने ऐसे कर दिया है मैनुअली। अब क्या है कि इसमें लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पर टिक्की लग जाएगी, टिक्की लगने के बाद हेड लग जाएगा, हेड लगने के बाद सेम मैंने ही ऐसे छोटी मशीन में करा दिया है। तो ये भी अभी थोड़ी देर में सेट कर देंगे हम, तो हम लोग लगे हुए हैं। और तो ये चीज़ है, अब इसका प्रोडक्शन भी मैं आपको कल टेस्टिंग पे एक बार बता दूंगा कितना रहेगा, कितना प्रोडक्शन इसका रहेगा, तो वो चीज़ें सारी चीज़ मैं बता दूंगा आपको। तो और जो मेरा पुराना चेंजर था वो ये रहा, बिल्कुल नया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो ये रहा, तो ये किसी को चाहिए तो मेरे से संपर्क कर सकता है, ये भी उसको प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी हम इसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन करने के बाद हीटर वीटर लगा के सब कुछ ओके करके कल मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी दिखाऊंगा। तो देखते हैं कल कितना ये प्रोडक्शन देती है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो जरूर, शेयर करो, और नायलॉन से रिलेटेड किसी को बेचना हो या ख़रीदना हो, स्क्रैप हो या दाना हो, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। ये देखिए, नायलॉन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि अगर आप कच्चा माल बना रहे हो, मतलब कि डायरेक्ट स्क्रैप का बना रहे हो, ना ही उसको मिक्सर कर रहे हो, ना ही एग्रो कर रहे हो विदाउट ग्राइंडिंग, तो आपको चेंजर चेंज करना पड़ेगा, स्क्रीन चेंजर जो है, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। सिर्फ ये आपको ये वाला टाइप लगाना पड़ेगा, इससे प्रोडक्शन से कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी कुछ चीज़ें और चेंज हो जाती है, बस थोड़ा सा हाथों से इसको मैनुअली खोलना पड़ता है। तो देखते हैं कल क्या प्रोडक्शन आएगा इसका और क्या चीज़ें हैं। मशीन सेम है, बाकी कोई चीज़ चेंजेस नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू।